कह रहे IUPAC नेम पूछ रहे हैं इसका, तो भाई ऐसे तो नहीं पता चलता। मैंने इसे ओपन किया है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, और फिर पता चल जाएगा क्या नाम है भाई। ठीक है, इसका नाम ये ऑप्शन बी 455 ट्राइमेथाइल 1-pentene। ठीक है जी, बल्कि ये 6 बन रहे ना, तो 4-5-dimethyl-1-hexene, सॉरी 1 वाला। ठीक है जी, कहीं लिख रख कर लीजिए। वॉट इज़ वैल्यू ऑफ 89 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन केल्विन? 273 प्लस कर लो यार, 362 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ये जनाब इसका आंसर 6 है। रदरफोर्ड बम्बार्टमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल हेल्प टू सजेस्ट द मेटल ऑफ एटम वॉस बाय? अब भाई जब उसने किया था तो ज़्यादातर 8000 में से 7999 पार्टिकल पास आउट हो गए थे, सिर्फ एक डिफ्लेक्ट होके आया था। तो ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेटिंग द एटम इज लार्जली एम्प्टी स्पेस विद अ कंसंट्रेटिव पॉजिटिव चार्ज। फिर कह रहे हैं इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डबल बाई डबलिंग द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी वॉज फिक्स। इफ बी कंसनट्रेशन वॉज डबल विद ए फिक्स द रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 द रेट एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल टू। भाई बात यह है कि ए के डबल होने पे डबल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बी को डबल कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, IUPAC ने पूछा है Na4FeCN6 का, तो मेरे भाई ये हो जाएगा ऑप्शन 13 सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट एल्डल कंडेंसेशन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछिए, करेक्ट नहीं पूछें। तो याद रहे फर्स्ट स्टेप इन द एल्डोल रिएक्शन इज डीपोर्ट्रेशन एज द अल्फा पार्टिकल, ये नहीं होती बात है।